तीन से 2010 के अंदर हुआ है, वैसे शिक्षकों को शिक्षा विभाग के पत्रांक 709 दिनांक 21/8/2020 के आलोक में स्नातक ग्रेड प्रमोशन दे दिया गया है। ये चिट्ठी बिहार के सहरसा जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चिट्ठी इशू किया है और सभी नियोजन इकाई को एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को चिट्ठी इशू करके इन्फॉर्मेशन दिया है कि ऐसे शिक्षक, ऐसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा, जो सक्षमता परीक्षा दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, वैसे शिक्षक को प्रमोशन दिया जाए। अब उम्मीद की जाती है कि जो शिक्षक 2003 से 2010 तक बहाल हैं, वैसे शिक्षक दक्षता परीक्षा पास है, ऐसे शिक्षक को स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिलेगा। बड़ी खुशखबरी है और धीरे धीरे अब बिहार में चिट्ठी इशू हो रहा है। हाईकोर्ट का भी फैसला है, पटना हाईकोर्ट का ही फैसला है कि 2020 के आलोक में सभी को राजकर्मी का दर्जा देते हुए और सबको नियमानुसार प्रमोशन दिया जाए। 12 वर्ष जिनकी सेवा हो चुका है, 2003 से हो या 2010 के बीच में कहीं से भी हो, 12 वर्ष हो चुका है, वैसे शिक्षक, वैसे नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिलेगा। वैसे शिक्षकों को मिलेगा जो सर्विस पीरियड में किसी तरह का उस पर आरोप नहीं है, वैसे शिक्षकों को मिलेगा। सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये आदेश निर्गत कर दिया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, आज मैं इतने ही समाचार के साथ आपके नजदीक आया था, अब इजाजत दीजिए, मैं फिर अगली वीडियो में मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। अब सारे शिक्षकों का कटेगा वेतन अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना तो। अब 21,000 प्लस हेडमास्टर और 500 से अधिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नौकरी खतरे में। अब सारे शिक्षकों का रुक सकता है वेतन और ऐसे में सक्षमता परीक्षा पर लटका तलवार। फिर से मांग हो रहा है कि के पाठक को वापस करो और ये ट्रेंड चल रहे हैं। जिस के पाठक से इतना नफरत था, अब उसी वही के पाठक को फिर से लाने का शिक्षा विभाग में क्यों हो रहा है इतना मांग? क्यों चाहते हैं सारे शिक्षक कि के पाठक को फिर से लाया जाए? और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पेमेंट में डिले हो सकते हैं, और जितने भी शिक्षक हैं पेमेंट उनका रुक सकता है, पेमेंट टाइम से नहीं भी आ सकते हैं। तमाम सारे मुद्दों पर बात करेंगे जितने भी मेरे शिक्षक साथी हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, सारे मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूँ। और जितने भी मेरे साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और ऐसे में सक्षमता परीक्षा को लेकर जो डेट रखे गए थे, जो तारीख रखे गए थे कि 26 से 28 सक्षमता परीक्षा का एग्जाम ले लिए जाएंगे, अब वही सक्षमता परीक्षा को फिर से स्थगित कर दिया गया है, तो आखिरकार ये लिए कब जाएंगे? और ऐसे में सक्षमता परीक्षा जो 2 है वो तो अभी लिया जाएगा, उसके बाद आगे का प्रक्रिया होगा। पर ऐसे में जो सक्षमता परीक्षा 1 हो चुका है, जो पहला सक्षमता परीक्षा हो चुका है, इसको क्यों लटकाया जा रहा है? आगे का मंशा क्या है? आखिरकार ये चाहते क्या है? ये करना क्या चाह रहे हैं? सक्षमता परीक्षा 1 हो चुका है, उस पर काम होना चाहिए था, स्कूल आवंटन होना चाहिए था, उसका काउंसलिंग होना चाहिए था। काउंसलिंग का तो कोई अर्थ नहीं होता है, डायरेक्ट विद्यालय का आवंटन होना चाहिए, पर ये नहीं हो रहे हैं। सक्षमता परीक्षा 2 का डेट निकलता है, स्थगित होता है, फिर निकलता है, फिर स्थगित होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? ऐसे आखिरकार बार बार क्यों किए जा रहे हैं? क्या उनको सक्षमता परीक्षा से कोई मतलब नहीं है? ये बस परेशान करने के लिए लाया गया था। और ऐसे में के पाठक तो एक माहौल थे, पर एसीएस एस सिद्धार्थ जी जो नए अपर मुख्य सचिव आए हैं शिक्षा विभाग का, एस सिद्धार्थ जी ये तो अलग ही माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये तो लगातार कार्रवाई का ही बात कर रहे हैं। अब शिक्षक लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होगा, अगर ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना तो उनका पेमेंट कट जाएंगे। अब सारे शिक्षकों को रखना होगा मोबाइल, वो भी बड़ा वाला एंड्रॉयड फोन रखना है उनको। जो ऐप है ई शिक्षा कोर्स, वो ऐप पर जाकर उनका अटेंडेंस बनाना होगा। अगर अटेंडेंस टाइम से नहीं बना तो उनका वेतन उस दिन का कट जाएगा। और ऐसे में अच्छा नेटवर्क रहना चाहिए, चाहे आपका विद्यालय गांव में हो, चाहे कोई भी इलाका में हो, नेट पकड़े ना पकड़े उनको कोई मतलब नहीं है।
पर आपका अटेंडेंस बनना चाहिए, आपके पास नया मोबाइल होना चाहिए बड़ा वाला, इसमें सिम लगा रहना चाहिए, ऐप रहना चाहिए और अटेंडेंस बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएंगे, पेमेंट कर जाएंगे, अब फोन से अटेंडेंस बनेंगे। इनका एक अलग नया फरमान है और उन्हीं का कार्रवाई है, अभी उनका उनके तरफ से निकले हैं कि जितने भी हेडमास्टर है 21 शहर से प्लस हेडमास्टर जो है, तो भैया उन हेडमास्टर और 500 से अधिक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उनका नौकरी जा सकता है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है। क्यों? उसके पीछे का रीजन जानिएगा तो शौक हो जाएगा। जो भी बच्चे 15 जून तक नामांकन कराए उनका सारा डिटेल अपलोड होना चाहिए, अगर अपलोड नहीं हुए, अगर काम नहीं हुए अभी तक, तो उन पर कार्रवाई किए जाएंगे, सारे पे कार्रवाई किए जाएंगे। और ये सारे के पीछे जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको एक्शन लेना होगा, अगर नहीं लेंगे तो उनको सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यानी कि काम पूरे दबाव में होना चाहिए, इनको ये पता नहीं है कि बच्चे लोग का आधार कार्ड में गड़बड़ी होगा, अकाउंट नंबर में गड़बड़ी होगा, कुछ भी हो सकते हैं, उनको इसमें कोई मतलब नहीं, बस 15 जून तक जो बच्चे हैं उनका सारा डिटेल सारा डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए। अब आगे क्या होंगे नहीं होंगे, क्या दिक्कत है, क्या प्रक्रिया है, उनको कोई मतलब नहीं है। अब इसीलिए सारे शिक्षक लोग मांग कर रहे हैं, और ऐसे में पता है आपको नीतीश कुमार जो शिक्षक लोग का जो पेमेंट है, जो वेतन है, अब वो केंद्र सरकार तो 60% इतना ही था, 40% बिहार सरकार देता था, पर हम नीतीश कुमार मांग किए हैं सड़क और शिक्षक लोग का पेमेंट वो केंद्र सरकार को देना है। केंद्र सरकार इस पे काम करेगा, बिहार सरकार को सपोर्ट करेगा और बिहार सरकार आप लोग को पेमेंट देगा, तो इस पे अब पेमेंट में थोड़ा डिले भी हो जाएंगे, पेमेंट रुक भी जाएंगे का दो मंथ का, इसमें घबराना नहीं है। अब यही सब बहुत सारे मुद्दों को देखते हुए शिक्षक लोग परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक लोग को बहुत शांति है, शिक्षक लोग बहुत आराम कर रहे हैं, एस सिद्धार्थ जी के आ जाने से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी के पाठक से ज्यादा वो नया नया फरमान निकाल रहे हैं, के पाठक फिर भी ठीक ठाक थे, शायद यही कारण है कि शिक्षक लोग फिर से मांग कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है कि के पाठक ठीक थे, के पाठक को फिर से वापस किया जाए। पर कोई भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, चाहे के पाठक चाहे सिद्धार्थ, दोनों उसी टाइप के हैं। एस सिद्धार्थ तो थोड़ा सा उनसे आ गए ही हैं, वो तो बोल नहीं रहे हैं, हवा नहीं बना रहे हैं, इसीलिए कार्रवाई कर दे रहे हैं। आप विशिष्ट शिक्षक बना रहे हैं, राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, ऐसे कोई राजकर्मी का दर्जा से कोई मतलब नहीं है, राजकर्मी का दर्जा देकर आप लोग क्या उसको अलग कर दे रहे हैं, ये सबको पता है। शिक्षक ये भी पढ़ाते हैं, न्यू शिक्षा के पढ़ाते हैं और नए वाले शिक्षा के पढ़ाते हैं, दोनों का काम है पढ़ाना। न्यू शिक्षक और ट्रेंड शिक्षक है और समझदार शिक्षक है, इतने साल से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले हैं, पर उनको लाभ कम है। अब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जा रहा है। कब मिलेगा पेंशन, कब पेंशन का लाभ मिलेगा, कब मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ, ये सारे लाभ कब मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटी कब मिलेंगे, प्रमोशन कब मिलेंगे। अगर आप वेलकम पेरेंट्स, वी आर रेडी टू बिगिन, kindly settle down. Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water, but all the water had dried up. The world was now much hotter. Their throats were so dry, they couldn't find a drop to drink. And one day, neither will I. मम्मीज एंड डैडीज, आपके बचपन की फेवरेट पोएम्स बदल जाएंगे, क्योंकि हमारा बचपन क्लाइमेट चेंज की वजह से बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज से हम कैसे लग सकते हैं, जानिए jagore.com पर। वैसे शिक्षक मना रहे हैं तो जो सेवा निरंतरता का लाभ होता है वो कहाँ बात की आप, सिर्फ वैसे शिक्षक राजकर्मी का बात कर रहे हैं, वो चीज पे भी अभी तक क्लियर नहीं है। और सक्षमता परीक्षा आज लिए जाएंगे, कल लिए जाएंगे, फिर उसको टाला जाता है, फिर से डेट आता है। आप सक्षमता परीक्षा जो पहला लिए हैं किस लिए थे, बस हवा बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए। और अगर मानते सक्षमता परीक्षा हो भी गया, शिक्षक लोग ज्वाइन भी कर लिए, अगर उनको गिरी जिला नहीं मिलेगा, अगर उनके घर के पास जो है जो विद्यालय है वो विद्यालय नहीं मिलेंगे, भैया ये एग्जाम क्यों दिए, सक्षमता परीक्षा देने का क्या मतलब है, सक्षमता परीक्षा क्यों दिए, वो उनको सारी चीज का लाभ मिलना चाहिए। तीन जिला का बात रखे आप तो कहीं उठा कर फेंक दीजिएगा, रैंडमाइजेशन का बात कर रहे हैं तो आप कहीं उठा कर फेंक दीजिएगा, किसी शिक्षक को लक भाई अगर मिल गया बगल में तो उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज रैंडमाइजेशन में तो भाई सारे लोग इधर उधर फेंका जाएंगे, तो फिर से होगा आंसर, फिर से होगा आंदोलन,
अब इसी डर से शायद सिद्धार्थ जी इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं, न इसमें काम कर रहे हैं। सारे नियो शिक्षा का सीधा सीधा मांग है, ऐच्छिक का स्थानांतरण दे, इसीलिए सक्षमता परीक्षा वो लोग दे रहे थे, सेवा निरंतरता का लाभ दे, समान काम समान वेतन का लाभ दे, बहुत सारे राजकर्मी का लाभ दे, ये सब का बात नहीं कर रहे हैं आप, डायरेक्ट सक्षमता परीक्षा का बात कर रहे हैं। तो इस सक्षमता परीक्षा का कोई भी लाभ नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर ले भी लिए जबरदस्ती कोई फायदा नहीं होगा, इसके बाद आंदोलन करेंगे अगर लाभ नहीं मिलेंगे तो। ये सारे शिक्षक तभी भी इसे शिक्षक में ज्वाइन करेंगे सारे नए शिक्षक जब ये सारे लाभ मिलेंगे। आप सेवा निरंतरता का लाभ ही नहीं दीजिएगा, नया शिक्षक बहाल कर दीजिएगा उनको, ये का नया नया रहेगा तो उनको फिर क्या फायदा होगा, और ऐसे में शिक्षक लोग आंदोलन करेंगे, फिर से तकलीफ होगा, फिर से रोड पे उतरेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट करें, सारी चीज़ पे नोटिस निकाले कि सारे लाभ मिलेंगे, अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं आया है। इससे पहले, इससे अच्छा तो पहले थे जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको ज़्यादा लाभ है, तो विशेष शिक्षक क्यों बनेंगे, आखिरकार विशेष शिक्षक क्यों बनेंगे। आरटीई सेक्शन 23 जो कोर्ट का फैसला आया था, जो सुनवाई हुआ था, जो सक्षमता परीक्षा देने का जो बात कर रहे थे आप लोग कि नहीं देंगे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, उस टाइम फैसला आया था कोर्ट की तरफ से, इसमें क्या क्या लाभ का बात किए गए थे याद है? पेंशन का लाभ मिलेगा, ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगे, कोई एक चीज का लाभ नहीं था, पीएफ मिलेंगे, तमाम सारे लाभ का बात किए गए थे, वेतन भी इंक्रीज होंगे। वेतन तो भाई जितना है आप लोग जोड़ लीजिए, अभी के मुताबिक जो अभी के शिक्षक को मिल रहा है, नया नया जो बहाल हुए हैं इसके मुताबिक सारे पुराने शिक्षक को जोड़ लीजिए, लाख तक वेतन चला जाएगा। तब वो फैसिलिटी नहीं लेंगे और आपका वैसे शिक्षक वाला फैसिलिटी लेंगे हम, जिससे हमको कोई लाभ नहीं है, थोड़ा सा भी लाभ नहीं है। राजकर्मी का बस माला पहना दीजिए, क्या होगा राजकर्मी का माला पहनने से? सारे लोग तो पहन कर बैठे हुए हैं, परेशान है, पीड़ित है शिक्षक लोग, तो उससे काम नहीं चलेगा। और सारे शिक्षक का मांग है ये चीज पे क्लियर करे और सक्षमता परीक्षा को लेकर स्पष्ट करे, जो सक्षमता परीक्षा पहला हो चुका है इसमें सारे को लाभ दे। अगर सारा लाभ मिल जाएगा, सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, प्रमोशन का लाभ मिल जाएगा, सारे फंड मिलेंगे, वेतन में बढ़ोतरी होगा, तो पुराने सारे नियोजित शिक्षक खुद सक्षमता परीक्षा देंगे, खुद शामिल होंगे,